thank you बसमिल्ल हर हम इराम असलकम वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर के अंदर अपने बालों पे कैरेटिन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं ये बहुत ही सिंपल और आसान है इसके लिए आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी देख सकते हैं आपके कितने शाइनी बाल हैं चमकदार हैं इस पर कोई पैसे भी नहीं इतने हर्च हुए और आप आसानी से इस तरह अपने बालों को इसका कर सकते हैं कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है ये बेजान और सूखे और रूखे बालों के लिए है इस रेमिडी को जो जो इस्तेमाल करेगा आप यकीन करें उसके बाद इसी तरह के शाइनी और चमकदार हो जाएंगे जिस तरह के आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं तो आए चलें जल्दी से ना हम इस रेमडी को बना लेते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो जो है ये पूरी देखनी है और इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना अगर कर दिया तो फिर मेरा कसूर नहीं है ये दो चम्मच हमने ले लिए हैं मेहंदी के फ्रेश मेहंदी ठीक है जो बालों में इस्तेमाल होती है उसके आपने दो टेबल स्पून ले लेने हैं भर के अच्छा इधर आप ये ना सोचें कि इधर हमने ये मेहंदी डाली है तो इसका कलर आ जाएगा हमारे बालों में नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इससे बाल शाइनी होते हैं तो इसमें मैं अब ऐड करने लगी हूँ एक अदद अंडा ये देखेंगे इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना एक चम्मच की मदद से तो ये अभी तो फ़िलहाल इतनी मिक्स नहीं हो रही इसमें अब बकाया कि जो दूसरी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे तो फिर ये अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाएगी यह है मेरे पास दही दही आपने दो टेबल स्पून भर के ले लेने हैं ये देखें इसी तरीके से आपने डाल लेने हैं और इसको अब इसमें ऐड करेंगे दो टेबल स्पून भर के सरसों का ऑयल ठीक है ये बालों का रूखापन ख़त्म करेगा और आपके बालों को शाइनी बनाएगा ठीक है और अगली जो चीज़ इसमें जाएगी ये है शहद शहद लेंगे हम छोटी टी स्पून वन इसको आपने ऐड करना है शहद भी स्किप नहीं करना आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी ये जितनी भी मैंने चीज़ें ऐड की हैं ये सारी बालों की नशे नमा कर लिए बहुत ही अच्छी हैं और अब इसमें ऐड करेंगे नींबू ये ऐड कर दें आप एक इसका सिर्फ हमें जो है ये रास्सी चाहिए बीज जो है आपने नहीं शामिल करने और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक चम्मच की मदद से तो ये देखें इसमें गुटड़ी वगैरह कुछ भी नहीं रहनी चाहिए आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने ले लेना है एक ब्रश और ब्रश की मदद से आपने इसको अपने बालों की जड़ों में बालों के ऊपर सारे बालों पर आपने ना इसको अच्छे से आपने लगा देना है ठीक है ये देखेंगे तैयार हो चुकी है तो आपने तकरीबन इसको दो घंटे तक अपने बालों में लगा रहने देना है और दो घंटे के बाद आपने जो है अपना ये इसको सर को वॉश कर लेना है अच्छे से और शैम्पू कर लेना है तो व्यूअर्स जब आप शैम्पू करने के बाद अपने बालों में कॉम्प करेंगे तो आप देख सकते हैं कि, कि कितने शाइनी और चमकदार हो चुके हैं बाल जैसे किसी ढोल के होते हैं तो ये ईद के लिए आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से और आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये जो मेरी वीडियो है ये ज़रूर पसंद आई होगी आपने ट्राई ज़रूर करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी अल्लाह हाफिज़